गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हमने जो डिस्कस कर दिया प्रीवियस वीडियो में वो टॉपिक था इंडस्ट्रियल रोबोटिक एप्लीकेशन, जिसमें हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग का फील्ड में दो टॉपिक देखे, ह्यूमन रोबोट कोलैबोरेटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड दूसरा देखा कोऑपरेटिंग रोबोट्स इन मैन्युफैक्चरिंग। सो अब हम इसका दूसरा सब टॉपिक देखेंगे, वो है मेंटेनेंस एंड असेंबली। सो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो हम मेंटेनेंस के फील्ड में थोड़ा आगे जाते हैं। तो मेंटेनेंस क्या है? तो इन द फैक्ट्रीज मेंटेनेंस ऑफ अ प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल प्लानिंग आइटम्स ड्यू टू डायग्नोस द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द मशीन्स एंड टू रिड्यूस द डाउन टाइम ऑफ प्रोसेस ड्यू टू देयर प्रॉब्लम्स। देखो कई बार क्या होता है, मशीन में जो है वो मेंटेनेंस की खराबी आती है। सो अपना जो पूरा का पूरा जो अपना जो स्मार्ट फैक्ट्री का जो प्रो है, जैसे कि सपोज कोई एक असेंबली लाइन है, तो शायद बन सकता है कोई एक जगह ऊपर अगर कोई रोबोट जो है वो वर्क नहीं करता तो पूरी की पूरी असेंबली लाइन जो है हमको बंद करनी पड़ती है। तो ऐसे सिस्टम्स में हम मेंटेनेंस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो इसमें दिखाया गया है। इस मेंटेनेंस में जो रोबोट्स है तो वो क्या करता है, वो सेल्फ मेंटेनेंस करता है। ओके, टू ट्रैक एंड टू असेट्स इट्स ऑन हेल्थ एंड ओवरऑल प्रोडक्शन परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मेंटेनेंस आर रिक्वायरिंग एबिलिटीज फॉर द रोबोट्स। यानी कि रोबोट को ही हमने एक ऐसा प्रोग्रामिंग के जरिए उनको बताया गया है, तो वो प्रोग्रामिंग के थ्रू वो हमें बताएगा कि उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत है और वो जाते सेल्फ मेंटेनेंस करेगा। By processing the information from big data, industrial robots are able to manage their health and maintenance. Okay, big data का use करके वो industrial robot जो है वो खुद की health care में maintenance करेगा।